बॉलीवुड का अंत शुरू हो चुका है? क्या 2025 तक बॉलीवुड पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा? क्या बॉलीवुड बन जाएगा इतिहास? दोस्तों, आज के टाइम पे आप जहाँ कहीं भी देखोगे तो बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला हुआ है। फिर चाहे वो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा हो, रणबीर कपूर की शमशेरा या शाहरुख खान की पठान, तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो लोग बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे हैं और इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो रहा है? हमने लास्ट ईयर का डाटा देखा तो उसमें सिर्फ बॉलीवुड की 3 फिल्में ही टॉप 10 की लिस्ट में थी, और ये मूवीज कॉन्टेंट बेस्ड और नेशनलिज्म बेस्ड है। नंबर 1 पे है तानाजी, नंबर 4 पे है सूर्यवंशी और नंबर 10 पे है 83। आमिर खान का बॉयकॉट होने की वजह वो खुद थे, जिसमें वो काफी इंटरव्यू में इंडिया छोड़कर भागने की बात करते हुए दिखे, और उनकी मूवी पीके तो एंटी हिंदू ही बता दिया गया था। अरे भैया, हिंदुस्तान में रह के उसी की बेइज्जती करोगे तो जाहिर सी बात है ना, जनता आपका डब्बा घुलकर ही देगी। शमशेरा मूवी का बैन होने की बड़ी वजह थी हिंदू फोबिया, जिसे आप हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत या डर भी कह सकते हो। शमशेरा फिल्म के अकॉर्डिंग हिंदुओं को अंग्रेजों से दिक्कत नहीं थी, बल्कि ऊंची जात वाले नीचे जात वालों के दुश्मन थे। अब आते हैं पठान मूवी पे। एक तरफ हिंदू इस बात पे इस मूवी के खिलाफ है क्योंकि दीपिका की ड्रेस का कपड़ा भगवा यानी सैफ्रॉन कलर का है और ये हिंदुओं का कलर है, और मुस्लिम ऑडियंस इसलिए बॉयकॉट कर रही है क्योंकि उनका मानना है कि असली पठान औरतों के साथ नहीं नाचते। तो फिर किसके साथ नाचेंगे? कई बीजेपी की नेता इस गाने और इस मूवी से काफी नाराज है। अगर कपड़े के रंग से ही प्रॉब्लम है तो फिर ऐसे तो कितनी मूवियां हैं जिसमें एक्टर और एक्ट्रेस ने भगवा कलर के कपड़े पहने हैं, क्या इनको भी बैन नहीं कर देना चाहिए? और यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी खुद ये भगवा कलर पहना हुआ है, और जो लोग कह रहे हैं कि दीपिका ने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं, तो उन लोगों को इस हड़प्पा डांसिंग गर्ल के स्टैचू पे भी नजर डालनी चाहिए। क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है? और मुस्लिम लोग जो बोल रहे हैं कि पठान नहीं नाचते, वो बेचारे असली पठान अपने देश में बैठकर सोच रहे होंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमें क्यों घसीटा। किसी भी चीज को इतना ज्यादा हेट मत करो कि उसको हेट मिलने की जगह उल्टा फेम ही मिल जाए। तो यही चीज हुई है आपकी पठान मूवी के साथ। इस बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट पठान में आपके क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।